गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज HP। आज का हमारा टॉपिक है नियोजन के उपकरण एवं तकनीकी, मीन्स टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग करने के लिए हमें नियोजन करना होता है, नियोजन के लिए हमें कुछ तकनीकों का अपनाना होता है जिसके माध्यम से हम नियोजन के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो नियोजन के आज हम कुछ तकनीकी उपकरण देखेंगे। तो टूल्स एंड टेक्निक्स अगर हम देखें तो पहली जो टेक्निक है हमारी वो है फोरकास्टिंग, मीन्स पूर्वानुमान। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं नियोजन के अंतर्गत हम पूर्वानुमान के आधार पर ही नियोजन का कार्य आधारित होता है, क्योंकि नियोजन के द्वारा हम भविष्य में किए जाने वाले कार्य का पूर्व में ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं, या हम कहीं भविष्य में किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा तय कर लेती है जिसके द्वारा ही नियोजन कार्य किया जाता है। यानी भविष्य में क्या कार्य किया जाना है, किन साधनों के उपयोग से किया जाना है, वही हमारा पूर्वानुमान माना जाएगा। और पूर्वानुमान के अंतर्गत है भूतकाल की परिस्थितियों घटनाओं का विश्लेषण कर भावी और होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर अपना पूर्वानुमान लगाते हैं। इसी प्रकार अगर हम अगला बिंदु देखें तो हमारी सेकंड टेक्निक है वो बजट। बजट को बच्चों अगर हम देखें तो नियोजन के लिए बजट की तकनीक बहुत ही व्यापक स्तर पर उपयोग में ली जाती है, क्योंकि आज हम देखें तो हमारे दैनिक जीवन में नियोजन के लिए अपने परिवार के बजट बनाते हैं, उन बजट के आधार पर ही अपने आय व्यय का भी ब्यौरा रखते हैं। तो उसी प्रकार नियोजन के लिए भी बजट बनाया जाता है। बजट में संख्यात्मक या न्यूमेरिकल योजना मानी जाती है, जो कि किसी संस्था की क्रियाओं को करने के लिए संस्था के बजट का बजट में संसाधनों का आवंटन दर्शाती है, या किस प्रकार बजट के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि आप किस स्तर तक भौतिक वित्तीय संसाधनों पर व्यय कर पाएंगे। तो इस प्रकार बजट भी नियोजन को कार्य के लिए वो तकनीक माना गया है, क्योंकि जब तक बजट नहीं बनाएंगे नियोजन का कार्य आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियोजन के लिए आपको संसाधन की आवश्यकता होगी जिसकी आप कितना खर्च करेंगे इसकी जानकारी बजट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अगला बिंदु हम देखे हुए हैं सम विच्छेद विश्लेषण में ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस संस्था का वह बिंदु माना जाता है, संस्था को ना लाभ होता है ना हानि होती है, बल्कि केवल संस्था को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस भी हमारा प्लानिंग का एक टेक्निक माना गया। इसी प्रकार अगला बिंदु हमारा है वह सीमांत विश्लेषण, जिसे हम कहेंगे मार्जिनल एनालिसिस। तो संस्था के नियोजन और निर्णय में सीमांत विश्लेषण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उस तकनीक का हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं कि इस तकनीक के अंतर्गत प्रबंधक सर्वप्रथम किसी भी नियोजन निर्णय पर आने वाली अतिरिक्त लागत और उससे प्राप्त होने वाली आय का अध्ययन करता है। यानी आने वाली उस अतिरिक्त लागत से अधिक होती है तो उसे स्वीकार कर ले, कहने का आशय। इस प्रकार ये वैकल्पिक नियोजन निर्णयों में केवल उसी विकल्प का चयन किया जाएगा जिसकी अतिरिक्त लागत की तुलना में उसे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त लाभ अधिक होगी, उसे हम कहेंगे मार्जिनल एनालिसिस। इसी प्रकार अगला बिंदु अगर हम देखें वो है लाइनर प्रोग्रामिंग। लाइनर प्रोग्रामिंग की अगर हम देखें तो ये भी एक नियोजन तकनीक है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो संस्था के विभिन्न क्रियाओं में अधिकतम कुशलता के साथ आवंटित करने के लिए सहायता होती है। तो रेखीकरण के में संसाधनों की एक सीमा होती है, उन सीमा को ध्यान में रखकर नियोजन करना होता है। तो इस प्रकार रेखीकरण के माध्यम से भी नियोजनकर्ता सर्वप्रथम संसाधनों के उपयोग में विभिन्न वैकल्पिक सेवाओं को विकसित करता है, उसके पश्चात विकल्पों में ज्ञात करता है कि कौन सा विकल्प उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसी प्रकार अगला बिंदु अगर हम देखें तो अगली टेक्निक हमारी वेटिंग लाइन थ्योरी से हम कहेंगे प्रतीक्षा पंक्ति या कतार सिद्धांत। तो ये सिद्धांत इस मान्यता बनाता है कि देरी करना महंगा पड़ सकता है। यानी जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो हम ग्राहकों को संतुष्टि देने का प्रयास करते हैं, और ग्राहकों को संतुष्टि के बिना हम कभी भी व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ग्राहक ही बाजार का राजा माना गया है। तो प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत एक ऐसी तकनीक मानी गई है जो कि प्रतीक्षा पंक्ति रखने की लागत के विरुद्ध प्रतीक्षा पंक्ति को बनाए रखने में संतुलन स्थापित करती है, या हम कहीं दूसरे शब्दों में ये इस तकनीक के द्वारा इस बात का नियोजन करने निर्णय में सहायता मिलती है कि ग्राहकों को प्रतीक्षा पंक्ति में खड़े रहना दिया जाए या प्रतीक्षा पंक्ति में खड़े लोगों को उचित अवधि में सेवा की जाए, क्योंकि उन दोनों ही परिस्थितियों कुछ लागतें या खर्चे वहन करनी होती है। यदि संस्था ग्राहकों को प्रतीक्षा पंक्ति में खड़े रहने देती है या उनको उचित समय में माल से उपलब्ध नहीं करा सकती, हो सकता है कि ग्राहक अन्यत्र चला जाए। तो कहने का आशय है
एक डिवीजन के अंदर इस तरह से किया जाना चाहिए कि समय पर खुराक तो समय के अनुसार मांग की आपूर्ति को उसे अधिक प्रतीक्षा पंक्ति में ना रहना पड़े। यदि आप माल मार्केट में समय पर सप्लाई नहीं हो पाएगा तो हो सकता है आपका कस्टमर कहीं दूसरे ब्रांड खरीदने लग जाए और आपकी जो श्रृंखला है उससे बाहर हो जाए। तो इसलिए प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत को भी नियोजन करते समय के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार अगली जो टेक्निक है हमारी वो पर्ट एंड CPM, पर्ट मीन फुल फॉर्म प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक मेथड एंड CPM इज क्रिटिकल पर्ट मेथड। तो ये दोनों देखिए जटिल परियोजना तकनीक है जो नॉन एजल तकनीक लगभग समान मानी जाती है अतः इन दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है परंतु पर्ट के अधिक व्यापक होने से अध्ययन अधिक किया जाता है। तो इन दोनों की टेक्निक को अगर हम देखें तो दोनों ही नेटवर्क तकनीक के रूप में जानी जाती है क्योंकि दोनों ही तकनीकी द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के का अध्ययन किया जाता है। और अंतिम हमारा जो नियोजन तकनीक है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब संभाव्यता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि प्राय घटनाएँ इन में ही घटित होती है भौतिक घटनाओं के आधार पर भविष्य में घटनाएँ की भूतकाल की घटना के आधार पर ही हम भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वान काफ़ी हद तक लगा लेते हैं। अतः सिद्धांत के अंदर भूतकालीन घटनाओं के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनका विश्लेषण करके भावी नियोजन के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो नियोजन का कार्य बहुत ही पेचीदा कार्य है क्योंकि प्रबंध का कार्य ही नियोजन माना जाता है। यदि आपने नियोजन सही कर लिया तो प्रबंध के उद्देश्यों को आसानी से कर पाओगे लेकिन आपने अगर नियोजन स्तर पर ही गलतियाँ कर ली आपने सही प्रकार से नियोजन नहीं किया विभिन्न विकल्पों का चयन करते हुए अच्छे से नियोजन टेक्निक को अपना नहीं अपनाया तो हो सकता है आप अपने लक्ष्य में सफल ना हो पाओ। तो एक अच्छी नियोजनकर्ता को नियोजन तकनीकों को अपनाते हुए नियोजन का कार्य करना चाहिए ताकि नियोजन का जो उद्देश्य है वो सही प्रकार से भली भांति वो प्राप्त कर पाए और अपने लक्ष्य में सफल हो पाए तभी नियोजन के लाभ आपको मिल पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे।